हाँ जी दोस्तों, तो जैसा आपने मेरा लास्ट सफर देखा, मैं आया था प्राग मेरे दोस्त एलिस के पास, क्योंकि आज हम दोनों जाने वाले हैं कार्लावेरी फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे मेरी काउचसर्फर होस्ट ने हमें किया था इनवाइट। और अब लास्ट मोमेंट पर हम बस और ट्रेन टिकट चेक कर ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि दो सीट साथ मिलना है इम्पॉसिबल, क्योंकि भैया इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल है तो सारी जनता तो जाएगी ही। तो हम दोनों डिसाइड करते हैं सेपरेट होने का, और एलिस जाती है ट्रेन से एंड मुझे लेनी होती है मेरी बस, जिसके लिए मुझे जाना होता है 12 किलोमीटर और लेनी होती है 2 ट्रैम। तो मैं भागता हूँ भागता हूँ और भागता हूँ, और पता है फिर क्या होता है? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी दिस मेट्रो? डेपो होस्की बस, यस दिस वन, हाय थैंक यू दैट थैंक यू। मेट्रो के चक्कर में फंस गया, कम से कम 5 मिनट हो गई है घूमते हुए। अब लगता है कि घर वाले क्यों बोलते टाइम से निकलना चाहिए। फिर जो बस थी अभी मम्मी सो गई, अब मैं जाऊँगा दूसरी बस से, तो अभी ये 3 घंटे बाद। और सीन कुछ ऐसा कि गूगल आंटी के थ्रू मैं आ रहा था भाई, वो मुझे बस स्टेशन की जगह लेके चली गई ट्रेन स्टेशन, तो बस यही पंगा हो गया, तो अभी निकलेंगे 3 घंटे बाद। और अब वैसे मेरी दूसरी बस आने में है 3 घंटे, और मैं चाहूँ तो यहाँ आसपास वक्त गुजार सकता हूँ, बट मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो इन 3 घंटों में कुछ वक्त गुजारता हूँ मैं अपनी एनर्जी फिल करने में, और कुछ वक्त यहाँ आसपास घूमने में, और फाइनली 3 घंटे बाद आती है हमारी बस। तो गाइस, पहले मेरी बस थी फ्लिक्स बस, बट अभी मैंने चेंज करके लिए रीजोजेट, तो अभी बस वहीं जा रहा हूँ। बोर्डिंग टाइम है और मैं पहुँच जाऊँगा अभी 2 घंटे में, तो बस जाता हूँ बस में और दिखाता हूँ। और अब वैसे मैंने यूरोप में हमेशा सफर किया है फ्लिक्स बस से, एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ रीजोजेट, जो कि है चेक रिपब्लिक की एक लोकल बस। और भाई साहब, मतलब जैसे मैं बस में बैठता हूँ मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि भाई इतनी अच्छी बस, जहाँ पे आपको इतनी कंफर्टेबल सीट मिलती है, और टर्की जैसे आपको ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से बस पकड़ने के बाद रास्ते में अच्छे से नज़ारे एंजॉय करते हुए कुछ ही घंटों में मैं पहुंच जाता हूं कार्लावेरी, जहां पे एलिस कर रही होती है मेरा इंतजार। तो जो मैं बता रहा था, मेरे होस्ट हुए हैं अभी फिल्म में, और वो शायद फ्री होंगे 5:30 तक, तो तब तक मेरे पास फ्री टाइम है 2 घंटे। और जो मेरी फ्रेंड है प्राग से, वो भी यहाँ आई हुई है, तो शायद मैं एक बार उससे मिलता हूँ, बाकी जितना फिर लोकल घूमते हैं। और मेरे होस्ट जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, वो होते हैं थोड़ा सा बिजी, तो मैं और मेरी दोस्त एलिस हम वक्त गुजारते हैं इस ब्यूटीफुल से टाउन को एक्सप्लोर करने में, और एक दूसरे को परेशान करने में। और जब हम दोनों ब्यूटीफुल सा टाउन एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आपको भी साथ घुमाया जाए। सो दिस इज ब्यूटीफुल टाउन कार्लावेरी, और जो कि फेमस है यहाँ के स्प्रिंग वाटर के लिए, या फिर यहाँ के फेमस फिल्म फेस्टिवल के लिए। और यदि आप यहाँ पे आओगे तो स्टिल यू विल सी रशियन कल्चर एंड रशियन आर्किटेक्ट, क्योंकि रशियन लोग यहाँ पे काफी वक्त तक रहे थे, और आज भी आपको यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। अब जैसे बिल्डिंग पर गोल्ड पैलेट ग्रिली देख लो। तो कुछ ऐसे करते हैं हम टाउन एक्सप्लोर, और फिर आती है हमारी होस्ट जो हमें घुमाती है अंदर से। Usually in India, it's prohibited everywhere, like touristic places. Yeah, and like you have to put your bag almost at the entrance. Yeah, yeah. I haven't seen any sign. Say no. तो अभी आ चुका हूँ मैं अंदर, और यहाँ पे जो एंट्री होती है एंड ये पूरा फेस्टिवल होता है, तो बस उसी साइड जा रहे हैं अभी। एंड अब भी हैं हम 3 लोग, ये है पागल लड़की। सो ये यहाँ पे पूरा फेस्टिवल, एंड अभी जा रहे हैं अंदर। और फिर यहाँ पे घूमते घूमते हम पहुंच जाते योनास के पास। अब वैसे योनास को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो यार, जब मैं लास्ट टाइम कार्लावेरी आया था ना, इसी ने मुझे पूरा टाउन घुमाया था, बट आज है थोड़ा बिजी, तो हम इससे मिलके पहुंच जाते हैं किसी लाइव कॉन्सर्ट म्यूजिक में। और यदि आप भी मेरे जैसे लाइव कॉन्सर्ट के लिए पागल हो, तो भाई एक बार तो फिल्म फेस्टिवल जाना बनता ही है। yes,
तो कुछ ऐसे कार्ला वेरी एक्सप्लोर करके, वहाँ का लोकल फूड एंड म्यूजिक एंजॉय करके मैं मेरी दोस्त एंड होस्ट जोनास के साथ निकल लेता हूँ उनके घर। सो गाइस ये थे सीन वहाँ के पार्टी के एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेरे होस्ट के घर। तो अब वैसे हम थक भी काफी चुके हैं, तो मिलते हैं अपन फिर कल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा सेकेंड डे कार्ला वेरी में, तो मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और बाहर आकर मेरे होस्ट के साथ एंजॉय करता हूँ अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट। और जब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर था एक जंगल, बट अभी यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है और स्विमिंग पूल भी है। बट अभी मेरे पास स्विमिंग पूल एंजॉय करने का तो वक्त नहीं है, क्योंकि कार्ला वेरी मेरी दोस्त एलिस वेट कर रही है मेरा और वहाँ मुझे मेरे होस्ट छोड़ने वाले हैं। बट वहाँ निकलने से पहले क्यों ना मैं इस टाउन की लोकल गलियाँ वॉक करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। काफ़ी सुंदर गाँव है यार, बट मुझे अभी पता नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे घूम रहा हूँ। जो भी है तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ ऐसे छोटा सा हायक विलेज एक्सप्लोर करने के बाद वक्त आ चुका मेरे होस्ट का घर छोड़ने का, और मेरे होस्ट के साथ निकल रहा हूँ मैं कार्ला वेरी, जहाँ मेरा वेट करिए एलिस, और वहां से मैं एलिस और मेरे होस्ट को बाय बोल के निकलने वाला हूँ हैनओवर। Tickets for India are for 5,000 crowns. Yeah, you should plan for one India. Way ticket. You say okay, I think. तो कुछ ऐसे अच्छा वक्त गुजारने के बाद मेरे दोस्त और होस्ट को बाय बोलना तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट क्या करें, आगे एक नया सफ़र जो स्टार्ट करना है। तो कुछ ऐसे बस लेके मैं निकल लेता हूँ हैनओवर के लिए, और बस में मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि इन दोस्त और होस्ट से मैं वापस कभी मिलूंगा भी या नहीं। और यदि आपको जानना है मैं कभी मिला या नहीं तो आगे के सफ़र में आपको पता चल ही जाएगा। तो बस कुछ ऐसी एक अच्छी यादें लेके मैं वापस निकल लेता हूँ हैनओवर के लिए, और शायद ये दिन भी मेरी लाइफ के कुछ अच्छे दिनों में से एक थे, जहाँ मैंने फिल्म फेस्टिवल एंजॉय किया और इतने अच्छे लोगों के साथ में मैंने वक्त गुजारा। तो बस यही था आज का अपना सफ़र, और फिर से मिलते किसी नए सफ़र में जल्दी ही। टिल देन बाय।